हेलो पाकिस्तानियों, मैं हूं पठान अकलीम और आप सब खुश आमदीद करता हूं मेरे चैनल ओरिजिनल पाकिस्तानी में। इंडियन गोदी मीडिया, उसकी क्या प्रॉब्लम्स हैं? कोई प्रॉब्लम्स नहीं है, उनका सिर्फ एक ही मकसद है, सिर्फ पाकिस्तान। कोई भी मसला हो, कोई पॉटी भी करे, कोई पूंग भी करे, या कोई क्या कहते हैं कुछ भी करे, वो पाकिस्तान पे डाल। उनके लिए एक सबसे उनके मतलब पूरी शायद जर्नलिज्म में इंडिया में यही सिखाया जाता है कि भाई कोई भी मसला उसकी हेडलाइन बनाओ, उसको सनसनी खेज कराओ, चीखो चिल्लाओ और पाकिस्तान पे डालो। दैट्स द ईजीएस्ट थिंग टू डू। कुछ और करने की जरूरत नहीं है, हमारी आवाम यही सुनना चाहती है। जो भी मसला है, कुछ भी है, कोई भी प्रॉब्लम है, कोई भी प्रोटेस्ट हो रहा है, कुछ भी हो रहा है, पाकिस्तान पे डालो। और आई थिंक अभी जो बहुत ज़्यादा अभी इंडिया में एक चीज़ तहरीक चल रही है और उसको फार्मर्स के अगेंस्ट जो मोदी ने एक बड़े ज़बरदस्त किस्म की हरकत करी है, बेवकूफ़ाना हरकत करी मेरे हिसाब से, उसका भी जो एक प्रोटेस्ट हो रहा है, तो वो भी जो मीडिया है वो यही कर रही कि कोशिश उसकी यही कि किसी तरीके से इसको पाकिस्तान के साथ लिंक करा जाओ, पाकिस्तान पे डाल दी जाए। तो आई थिंक मोदी के सिर्फ आई थिंक जो एक सोच में जो चीज़ है, जो चीज़ अटकी हुई है, आई थिंक अगर वो लोग सारे बैठते भी होंगे कि भाई क्या सोल्यूशन निकाले, करें क्या, मीडिया वाले भी जो बैठते होंगे, सबसे आसान सोल्यूशन है पाकिस्तान पे डालो। कहीं भी आई आवाज़, कहीं से कुछ भी हुआ हो, पाकिस्तान पे डालो। तो यही इंडियन गोडी मीडिया की प्रॉब्लम है और यही मेरी सेकंड एपिसोड है इंडियन गोडी मीडिया की प्रॉब्लम्स, जिसको क्या कहते हैं दुनिया के अंदर फेक और क्या कहते हैं मैनिपुलेटिव मीडिया भी कहा जाता है, और इनके बारे में इनको जर्नलिज्म पे काला धब्बा भी कहा जाता है इंडियन गोडी मीडिया को। मेरी वीडियो इस बारे में आगे मैं बात करूंगा, क्या कहते हैं प्रोटेस्टर्स और फार्म प्रोटेस्ट। इवन आई कैन प्राउडली से आई स्टैंड विद क्या कहते हैं फार्मर्स एंड आई क्या कहते हैं स्टैंड विद देयर प्रोटेस्ट। तो मैं हूं पठान अकलीम, आप देख रहे हैं मेरा चैनल ओरिजिनल पाकिस्तानी, और मेरी वीडियो को देखते रहिएगा और चैनल को जरूर सब्सक्राइब करिए, क्योंकि इस किस्म की इंफोटेनमेंट वीडियोस मैं आप लोगों के लिए लेकर आता हूं। तो अब हम बात करते हैं कि वो क्या है जो मोदी का जो एक बड़ा इसका ख्वाब है, शायद एक उसका साइकोलॉजिकल प्रॉब्लम है, उसके दिमाग में एक चीज शायद इनग्रेव्ड है कि उसको हिंदुत्व बनाना है, और हिंदू टीवी जो है उसको, हिंदू मीडिया, ये गोदी मीडिया जो है उसको पूरे तरीके से सपोर्ट कर रहा है। जो भी माइनॉरिटीज़ हैं उनके ऊपर वो अटैक कर रहा है। दो मेजर माइनॉरिटीज़ जो हैं जिनके ऊपर क्या कहते हैं गोदी इंडिया मोदी जो है एक्चुअली अटैक कर रहा है, वो है मुस्लिम और सेकेंड इज सिख। स्टार्ट आई थिंक मुसलमानों से हुआ था, CACS, काफ़ी मेजर प्रोटेस्ट हुए, किलिंग्स हुई, और दूसरे क्या कहते हैं प्लेटफॉर्म के ऊपर इस बारे में बात भी की गई, बहुत सारे क्या कहते हैं बॉलीवुड स्टार्स ने भी इस बारे में बात करी, जामे जो एक यूनिवर्सिटी है उसके ऊपर भी हमले किए गए, काफ़ी चीज़ें हुई, और आई थिंक अभी तक उसका शायद कोई हल नहीं निकल सका। प्रोटेस्ट शायद उसके अभी भी जारी है, मीडिया के ऊपर नहीं आ रहे। अगेन गोडी मीडिया का तो एक ही तरीका है ना, कुछ भी हो रहा हो, अगेन जो मैंने कहा ना पूंग की भी आवाज़ आई हो तो पाकिस्तान पे डाल दो, सबसे आसान तरीका। कोई भी कचरा हो, कहीं से भी कुछ भी मसला हो, उसका हल निकालने की जरूरत नहीं है, आप उसको पाकिस्तान से लिंक कर दें, पाकिस्तान पे डाल दें और आपका मसला हल। वाओ, दिस इज व्हाट इंडियन गोडी मीडिया इज डूइंग विद द फार्मर एज वेल। अगर आप देखें इंडिया में दो मेजर क्या कहते हैं किलिंग मैसेकर्स हुए थे, उसमें से एक गुजरात मुसलमानों की किलिंग थी और सेकंड सिख कम्युनिटी के साथ जो एक क्या कहते हैं मैसेकर हुआ था, उनकी किलिंग हुई थी क्या कहते हैं गुजरात के अंदर, क्या कहते हैं इन लोगों के साथ पंजाब के अंदर। जब प्रॉब्लम भी शायद यही हुई थी कि जब कश्मीर का प्रॉब्लम हुआ था, जिसको पाकिस्तान ने काफ़ी इंटरनेशनल प्लेटफॉर्म पे उठाया और उसके बारे में बात हुई, तो सिख वो कम्युनिटी थी जो जिन्होंने अपने क्या कहते हैं कश्मीर के क्या कहते हैं कश्मीरियों के लिए अपनी आवाज़ बुलंद करी थी। यही शायद उनकी सजा जो है मोदी ने ये क्या कहते हैं फार्मर्स के साथ की कि उनको इस क्या कहते कह दिया कि गवर्नमेंट अब जो भी है जितनी भी क्रॉप्स हैं, जो मेजर क्रॉप्स हैं वो नहीं खरीदेगी और प्राइवेट कॉरपोरेशन जो है इन चीज़ों को इनसे खरीदेंगे, गवर्नमेंट बिल्कुल नहीं खरीदेगी, जिसकी वजह से क्या कहते हैं फार्मर्स एक्चुअली जो है वो बाउंड हो जाएंगे और जो ये बड़ी बड़ी कॉरपोरेशन हैं उनको एक तरीके से अपना पुतली तमाशा बना सकती है, कठपुतली बना सकती है। यही वजह है जो फार्मर्स जो हैं जिनका क्या कहते हैं कुछ हद तक उनको जो उनकी मेहनत है उसके लिए वो जो बिल्कुल खेती बाड़ी करके बेचारे आम आदमी हैं वो जो हमारे लिए अनाज आपके लिए अनाज बनाती है उनको कुछ मुआवजा जो मिलता है जिसकी वजह से वो अपनी ज़िंदगी को एक तरीके से लिविंग स्टैंडर्ड के साथ जी सकते हैं, वो चीज़ ख़त्म हो जाएगी। ये एक आइडिया था जिसके ऊपर फार्मर्स प्रोटेस्ट कर रहे हैं और भरपूर प्रोटेस्ट कर रहे हैं। फार्मर्स जो हैं अच्छा एक मुसलमानों में गद्दार कौम बहुत हैं, सऊदी अरब को देख लें, दूसरे बहुत सारे ऐसे खासतौर पर मिडिल ईस्ट वाले जो हैं वो नहीं कश्मीर का साथ देते, दूसरे पाकिस्तान हमेशा हाँ बोलता है, यही उसको सजा मिलती है जिसकी वजह से इंडिया गोदी मीडिया जो है वो मुस्तकिल जो भी प्रॉब्लम होती है पाकिस्तान के ऊपर डाल देता है, पाकिस्तान ज़रूर इस बारे में बोलता है। अच्छा तो सिख कम्युनिटी के साथ जो है वो यही चीज़ होना शुरू हो गई है, किसी तरीके से बदला तो नहीं रहा था मोदी को, मोदी साहब ने ये हरकत कर दी। अब इस हरकत से जो है क्या कहते हैं सिखों में जो है पंजाबी जो इंडिया का पंजाबी है जो अपने आप को पंजाबी बोलता है हिंदुस्तान नहीं बोल रहा होता है, उनकी भी एक बात बहुत है कि ये बहुत स्ट्रॉन्ग कम्युनिटी है। स्ट्रॉन्ग मतलब उनमें गद्दारी नहीं है, चाहे वो पुलिस में हो, फौज में हो, बॉलीवुड में हो,
या फिर इंडिया से बाहर हो, वो एक ही क्या कहते हैं एक ही आवाज़, उन सबकी एक ही आवाज़ होती है, एक ही आवाज़ के ऊपर वो लब बैठ होते हैं. दैट्स वाई इट मेक्स देम अ वेरी स्ट्रॉन्ग कम्युनिटी. और जो मुसलमानों का अगेन गद्दार बहुत हैं, बहुत से हमारे जो हैं सुन्नी और दूसरे लोग हैं जो सेक्स हैं जो डिफरेंट क्या कहते हैं फिके, वो जो है वो कुछ मोदी से भी मिल जाते हैं. और जो है इस वजह से जो है क्या कहते हैं मुसलमानों के साथ जो ये ज़्यादतियाँ हुई हैं इंडिया के अंदर, वो क्या कहते हैं मोदी कर सका. लेकिन मैं ये बात बोलूँगा कि सिख कम्युनिटी जो है वो बिल्कुल एक मजबूत मुक्के की तरह है जो इंशाल्लाह बहुत ज़बरदस्त मुंह तोड़ जो है जवाब ज़रूर देगा. तो ये एक सीन हो रहा है अगेन वही प्रेशर डाल के, उसी तरीके से प्रैक्टिस जो मुसलमानों के साथ की गई थी इंडिया के अंदर, वही जो है सिखों के साथ करने की कोशिश की जा रही है, जो कि अनश्योर नहीं हो सकेगी बिकॉज दे आर वेरी स्ट्रॉन्ग कम्युनिटी. बॉलीवुड के बहुत सारे स्टार्स हो गए, पुलिस में से एक DIG पंजाब जो है उन्होंने रिज़ाइन कर दिया है साथ देने के लिए. हॉलीवुड मतलब UK, USA, कैनेडा, दूसरे जितनी भी कम्युनिटी हैं, दे आर स्टैंडिंग विद फार्मर्स. अब मसला ये है कि फार्मर्स आर वेरी सिंपल पीपल, उनकी बहुत छोटी मांगें होती हैं, वो बहुत ज़्यादा नहीं सोचते कि भाई हमें जो है क्या कहते हैं चांद पे पहुंचा दो, तो हमें क्या कहते हैं हीरे जवाहरात से हमें तोल दो. उनकी बहुत छोटी छोटी चीज़ें हैं यार कि हम मेहनत जो कर रहे हैं उसका एटलीस्ट हमें मुआवजा पूरा दे. दैट्स द थिंग. उनकी बहुत सिंपल सी लाइफ है, उनकी बहुत लैविश किस्म की ज़िंदगी नहीं है, उनकी बहुत सिंपल सी लाइफ है, बहुत छोटी छोटी ज़रूरियात हैं. एटलीस्ट वो ज़रूरियात तो ज़रूर पूरी होनी चाहिए, उनको इतना मुआवजा ज़रूर मिलना चाहिए कि वो एटलीस्ट ज़िंदगी सुकून से तो गुजार सकें. उनकी जो एक ज़रूरियात हैं, बेसिक नीड्स हैं ज़िंदगी की, नॉर्मल लाइफ की, सिंपल लाइफ की, वो पूरी हो सकें. तो इवन स्पोर्ट्स के बहुत सारे जो कहते हैं पंजाबी जो सिख हैं या पंजाबी हैं, वो भी इस मूवमेंट का हिस्सा बन रहे हैं. इवन आई एज ए पाकिस्तानी टोटली स्टैंड विद माई पंजाबी फ्रेंड फ्रॉम इंडिया, माई फ्रेंड्स, माई दोस्त, मेरे भाई, उनके साथ में खड़ा हूँ. और कश्मीर के लिए भी मैंने वीडियो बनाई थी जब इंडिया ने हरकत करी थी, तो मैं अपने पंजाबी दोस्तों भाइयों के लिए भी ये वीडियो बना रहा हूँ. आई होप मोदी को अकल आ जाए, और आई होप इंडियन गोदी मीडिया को कोई पाकिस्तान के अलावा भी कोई टॉपिक मिल जाए जिसके ऊपर वो बात कर सके. एटलीस्ट जो सच है, मैं ये नहीं कहता कि हाँ भाई नेशनलिस्ट होना, पैट्रियोटिक होना गलत है, सही है, लेकिन एटलीस्ट जो सच है वो दिखाना भी जरूरी, वो भी ज़रूर दिखाएं, उसके बारे में भी बात करें. मैं जो गलत है उसको गलत बोलें, जो सच है उसको सच बोलें. एटलीस्ट अगर आप सच नहीं बोल सकते तो मुंह बंद करके बैठिए और गलत चीज़ें ना करें, जो कि इंडियन गोदी मीडिया का काम है. तो आई होप आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी हो तो मेरे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करके, क्योंकि इस किस्म की इंफोटेनिंग वीडियोज़ मैं आपके लिए लेकर आता हूँ. अल्लाह.